अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 16 ऑफ कैलकुलस 2, जिसका टॉपिक हमारे पास है एक्सट्रीम वैल्यूड थ्योरम। ये थ्योरम कहता है इफ़ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन एफ हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन ए बी। ठीक है, ये थ्योरम कहता है कि अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूस हो तो फिर उस फंक्शन की उस इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी होगी। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। नंबर वन हमारे पास है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड फंक्शन वैल्यूज़ एट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें जो फंक्शन गिवन हो उसके हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं उस इंटरवल पर। फिर जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उनको हमने फंक्शन में पुट करके फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसको ज़ीरो के बराबर पुट करके सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। सेकेंड हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी ये क्या है, इंटरवल के एंड पॉइंट्स है या इनको बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, इन एंड पॉइंट्स या बाउंड्री पॉइंट्स पर हमने फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। थर्ड हमारे पास है द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ अबव वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी और जो क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करने से फंक्शन की वैल्यूज़ आएंगी इन में से, ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। हमारे पास एग्जांपल है, इसमें फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स के माइनस एक्स प्लस वन और हमारे पास इंटरवल है माइनस टू कॉमा वन ओवर टू। तो इसकी हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे इस फंक्शन के, उसके लिए इसका डेरिवेटिव लेना है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आएगा, हमारे पास एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा पावर नीचे पावर में से एक कम प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा टू एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन प्लस वन का डेरिवेटिव आएगा ज़ीरो। तो वो इधर ना लिखें तो यहाँ तक भी ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए ये जो डेरिवेटिव आया है इसको हमने ज़ीरो के बराबर पुट करना है। ठीक है, तो इसको ज़ीरो के बराबर पुट करने थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि 2x की जगह पे हमने लिख दिया 3x माइनस एक्स। अब यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन ले लिया, बाकी इधर क्या बच जाएगा, 3x कॉमन चला गया बाकी x बच गया प्लस इधर से 3x बाहर कॉमन आ गया बाकी इधर 1 बच गया और यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लें। ठीक है, तो अंदर बच जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब x प्लस वन इनको इधर अलहदा लिख लिया बाकी बच जाएगा 3x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को अलहदा अलहदा ज़ीरो के बराबर पुट कर दें, x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 3x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से प्लस वन बराबर की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 3x वैसे ही आ जाएगा, ये इधर माइनस वन है बराबर की दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया, x इज इक्वल टू ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस फंक्शन के। अब इन पॉइंट्स को हमने फंक्शन में पुट करना है और इन एंड पॉइंट्स को भी इस फंक्शन में पुट करना है। तो सबसे पहले माइनस वन को इसमें पुट करते हैं, एफ ऑफ माइनस वन क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने माइनस वन पुट करना है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस वन ऊपर पावर थ्री प्लस एक्स की जगह पे माइनस वन ऊपर स्केयर माइनस एक्स की जगह पे माइनस वन प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस वन की पावर थ्री क्या आएगा, माइनस वन
माइनस वन का स्केयर क्या आएगा, प्लस वन, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस वन वैसे ही आ गया। अब ये माइनस वन प्लस वन एक कैंसिल हो गया, बाकी बच गया वन प्लस वन, ये आ जाएगा टू। उसके बाद पुट कर दें वन ओवर थ्री, ठीक है, इस फंक्शन में। तो एफ ऑफ वन ओवर थ्री हमारे पास आएगा एक्स की जगह पे वन ओवर थ्री ऊपर इसका क्यूब, प्लस एक्स की जगह पे वन ओवर थ्री ऊपर उसका स्केयर, माइनस एक्स की जगह पे वन ओवर थ्री प्लस वन, ये वैसे आ जाएगा। वन का क्यूब क्या आएगा, वन ओवर थ्री का क्यूब क्या आएगा, 27, प्लस वन का स्केयर वन, थ्री का स्केयर क्या आएगा, नाइन, माइनस वन ओवर थ्री प्लस वन। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 27, ठीक है। अब 27 को अंदर रखें, 27 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर वन आएगा, वन को ऊपर इस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया वन, प्लस 27 को अंदर रखें, नाइन से डिवाइड करें थ्री आएगा आंसर, थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया ऊपर थ्री आ गया, माइनस 27 को अंदर रखें थ्री से डिवाइड करें तो आंसर नाइन आएगा, नाइन को ऊपर वन से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा नाइन, प्लस वन का बटा क्या आएगा वन, इधर जिसका कोई बटा ना हो उसका बटा वन आता है, तो 27 को अंदर रखें वन से डिवाइड करें आंसर 27 आएगा, उसको वन से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 27। इसको ऐड कर लें, ये आ जाएगा 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 1 31, माइनस 9, 31 माइनस 9 ओवर 27, ये आ जाएगा 22 ओवर 27। इसके बाद माइनस 2 को पुट कर लें, जो हमने स्टेप्स में पढ़ा था एफ ऑफ ए, तो वो है एफ ऑफ माइनस 2, ठीक है, एक्स की जगह पे माइनस 2 ऊपर पावर 3, प्लस एक्स की जगह पे 2 माइनस 2 ऊपर स्केयर, माइनस एक्स की जगह पे माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 का क्यूब आएगा माइनस 8, प्लस माइनस 2 का स्केयर 4, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1। इसको ऐड कर लें, आ जाएगा माइनस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 7, माइनस 8 प्लस 7 ये आ गया माइनस 1। इसके बाद 1 ओवर 2 पुट कर लें फंक्शन में, एफ ऑफ 1 ओवर 2 हमारे पास क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 ओवर 2 पुट कर दें, 1 ओवर 2 का क्यूब प्लस 1 ओवर 2 का स्केयर, माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, ये क्यूब ओपन कर लें, 1 का क्यूब क्या आएगा 1 ओवर 2 का क्यूब क्या आएगा 8, प्लस 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम 8 आएगा, 8 को अंदर रखें 8 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, प्लस 8 को अंदर रखें 4 से डिवाइड करें आंसर 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, माइनस 8 को अंदर रखें 2 से डिवाइड करें आंसर 4 आएगा, 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 4, प्लस 1 का बटा कोई नहीं इसका बटा 1 आएगा, 8 को अंदर रखें 1 से डिवाइड करें आंसर 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8। इसको डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 1 11, माइनस 4 ओवर 8, तो ये आ जाएगा 7 ओवर 8। अब हमारे पास चार वैल्यूज़ आई हैं, 2, 27, 22 ओवर 27, माइनस 1 और 7 ओवर 8। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 2, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज टू एट पॉइंट, हमारे पास कौन सा पुट किया था, माइनस वन, एट माइनस वन, ठीक है, और हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू माइनस वन है, ठीक है, तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम इज माइनस वन एट पॉइंट, हमारा क्या था, माइनस टू पुट करने से ही आया, एट माइनस टू, ठीक है। तो इस तरह हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड कर सकते हैं जो हमने स्टेप्स पढ़े उनको फॉलो करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल की पावर 2 ओवर 3 और हमारे पास इंटरवल है 1.5, ठीक है, इसकी हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम, ठीक है, और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से वन ही आएगा, तो वो इधर लिखें या ना लिखें एक ही बात,
बाकी इसको दोबारा लिख लें, 2/3 x माइनस 2, 2/3 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 1 है तो इसका बटा 1, इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा, 1 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 2, माइनस 3 को अंदर रखें, 1 से डिवाइड करें आंसर 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा माइनस 1/3 माइनस 1/3। अब यह पावर माइनस है तो बटे के नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी। अब ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, 2/3 एक्स माइनस 2 1/3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम एक्स माइनस 2 1/3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3, ये सारा इधर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। बाकी रह गया हमारे पास एंड पॉइंट्स, इनको हम फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर हम एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास नीचे क्या बनेगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, ठीक है, 0 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास क्या आएगा, 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे बन जाएगा 0, तो ऊपर 2 है बटे में नीचे 0, समथिंग ओवर 0 ऑलवेज इन्फिनिटी, तो इसका मतलब x जब 2 लें तो हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हमारे पास है सिंस f प्राइम ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2, सो वी कंक्लूड दैट 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f, ठीक है, यानी कि 2 पर f प्राइम ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब 2 को फंक्शन में पुट करें, f ऑफ 2 इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे 2 पुट करें, माइनस 2 वैसे आ जाएगा ऊपर पावर 2/3, 2 माइनस 2 0, 0 की पावर 2/3, तो 0 की पावर 2/3 क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद 1 पुट कर लें, f ऑफ 1 एक्स की जगह पे 1 माइनस 2 ओवर 2/3, माइनस 1 आ जाएगा ऊपर पावर 2/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने 5 पुट करना है तो f ऑफ 5 हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पे 5 माइनस 2 ऊपर पावर 2/3, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2/3, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम इज 0 एट किस पॉइंट पर, 2 पर, एट 2, और सबसे बड़ी वैल्यू ये आ रही है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 2 पॉइंट जो भी आ रही है समथिंग एट पॉइंट 5, ठीक है, तो इस तरह हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, वो कहता है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 + 2x + 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है ये पहले क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, ठीक है, जो कि एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 और लाइन वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, ये इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर ये रीजन बन रहा है, ठीक है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और ये x एक्सिस है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 और ये लाइन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, ठीक है, इसके अंदर अंदर ये रीजन बन रहा है। अब ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है, y 0 x 0 और ये वाला, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स हमने कैसे फाइंड करने हैं, उसके लिए हमारे पास O से A एक लाइन सेगमेंट बन रही है, O से B बन रही है और A से B, ठीक है, इनकी मदद से हम इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन का x के लिहाज से और y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, तुम्हारे पास क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आएगा, 0, 2x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आएगा, 2 माइनस
टू वाई का डेरिवेटिव जीरो आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या आएगा, टू एक्स, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी क्या आएगा, एक्स के लिहाज से जीरो। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, टू माइनस टू एक्स। इसी तरह वाई के लिहाज से अगर डेरिवेटिव लें तो टू प्लस टू एक्स, इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव जीरो आएगा, टू वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से जीरो, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से क्या आ जाएगा, टू वाई। अब ये हमारे पास, इसको हम जीरो के बराबर पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू इज इक्वल टू, ये माइनस टू एक्स है बराबर की दूसरी साइड पे प्लस हो गया, यहाँ से एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ओवर टू, तो एक्स हमारे पास आ गया वन। इसी तरह यहाँ पे इसको भी जीरो के बराबर पुट कर दें, ठीक है, टू इज इक्वल टू, ये माइनस टू वाई है, इधर आके प्लस हो गया, वाई क्या आ जाएगा, टू ओवर टू, तो वाई यहाँ से आ गया वन। तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया एक्स वन और वाई वन, इसको हम पेयर की फॉर्म में लिख लें, वन कोमा वन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं लाइन सेगमेंट ओ ए, ठीक है। अब ओ ए पे वाई की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जगह पे जीरो, ठीक है, यानी कि फंक्शन में हम वाई की जगह पे जीरो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे वाई जीरो और यहाँ पे वाई जीरो पुट कर दे, बाकी बच जाएगा हमारे पास टू प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लेट नाम दे देते हैं यू ऑफ एक्स का, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, यू ऑफ एक्स प्राइम, ये हमारे पास क्या आएगा, टू का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से जीरो, टू प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू, माइनस एक्स के का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स। अब यहाँ से हमारे पास इसको जीरो के बराबर पुट करें, तो यहाँ से हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसी तरह लाइन हमारे पास सेगमेंट ओ बी, इस पे एक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो फंक्शन में हम एक्स की जगह पे जीरो पुट करते हैं और वाई वैसे ही, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और एक्स इसकी जगह जीरो, बाकी बच जाएगा टू प्लस टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं वी ऑफ वाई का, इसका डेरिवेटिव ले लें, वी प्राइम ऑफ वाई क्या आएगा, टू का डेरिवेटिव जीरो आएगा, टू वाई का डेरिवेटिव टू, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू वाई। इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, वन कोमा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ए बी पे वाई किसके बराबर है, नाइन माइनस एक्स, तो हम वाई की जगह यहाँ पे फंक्शन में नाइन माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह नाइन माइनस एक्स, ठीक है, टू प्लस टू एक्स वैसे आ जाएगा, प्लस टू वाई की जगह पे नाइन माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, माइनस वाई की जगह पे नाइन माइनस एक्स ऊपर उसका स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा टू प्लस टू एक्स, प्लस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नाइन मल्टीप्लाई टू एटीन, माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर लें, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, माइनस टू फार्मूले का पहली टर्म दूसरी टर्म, टू प्लस टू एक्स प्लस एटीन माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस एटी वन, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, नाइन मल्टीप्लाई टू एटीन, एटीन एक्स आ जाएगा। अब जो एक्स वाले हैं उनको अलहदा कर लें और जो कॉन्स्टेंट है उनको अलहदा कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एटीन एक्स, बाकी बच जाएगा अट्ठारह प्लस दो बीस, और ये माइनस एट्टी वन, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस सिक्सटी वन, ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स नाइन माइनस एक्स। अब इसको नाम दे दें डब्ल्यू ऑफ एक्स का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो माइनस टू वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स, प्लस एटीन एक्स का डेरिवेटिव एटीन आएगा, माइनस सिक्सटी वन का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस एटीन। इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, इज इक्वल टू जीरो,
माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस 18 है, इधर आके माइनस 18 हो गया, यहाँ से एक्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस 18 ओवर माइनस फोर, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, इसको दो से काट दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2, ठीक है। अब ये 9/2 जो है, इसको हम वो जो हमारे पास इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू 9 - x, इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 9 - x की जगह पे 9/2, ठीक है, इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 को अंदर रखें 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 2 आएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 18, माइनस 2 को अंदर रखें 2 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 9, इसको माइनस कर लें ये भी आ जाएगा 9/2, तो एक हमारे पास पॉइंट बन गया 9/2, यानी कि ये जो x आया था, और एक पॉइंट बन गया y जो हमारे पास आया था 9/2, तो ये हमारे पास एक पेयर ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 1 1 आ गया, 9/2 9/2, और एक ओरिजिन 0 0, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करें, ठीक है, जब हम x 0 पुट करेंगे, x 0, तो y हमारे पास क्या आएगा, x इधर 0 हो जाएगा, 9 - 0 क्या आ जाएगा, 9, ठीक है, और जब हम y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इधर 0 आ जाएगा, 9 - x इज इक्वल टू 0, ये माइनस x है बराबर की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 9 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, 0, 9, ठीक है, और 9, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं 1, 1, 0, 9, 9, 0, 9/2, 9/2, ठीक है, 1, 0, 0, 1, इन सब पॉइंट्स को हम इस फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, आपने इस तरह टेबल बना लेना है वैल्यूज़ पुट करके। ये हमारे पास पॉइंट्स से, ठीक है, तो इनको पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है 4, ठीक है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है -61। हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 4 एट पॉइंट 1, 1, और एब्सोल्यूट मिनिमम हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम इज -61 एट, ये दो पॉइंट्स पे आ रहे हैं, एट पॉइंट्स एंड 0, 9। तो इस तरह हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह की है, वो आपने खुद करनी है, ठीक है। लेक्चर नंबर 16 यहाँ तक था, उम्मीद है आप सबको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, फिर भी कहीं से समझ ना आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।